एआई मार्केटिंग पर आपके सवालों के जवाब। मेरे कुछ रोबोट हाल ही में क्यों रुके हैं? कंपनी ने एक अपडेट जारी होने की वजह से 19 मई से 15 जून के बीच जानबूझकर विज्ञापन कैंपेन की लॉन्चिंग रोक दी थी। इस अवधि के दौरान रोबोट केवल पहले निवेश किए गए धन पर काम करते थे, नई पुनःपूर्ति को काम में नहीं लिया गया था। 15 जून को कंपनी ने नए विज्ञापन अभियान शुरू किए। अब यह समझ में आता है कि अपने व्यक्तिगत खातों की जांच करें और यदि वांछित हो तो पुनर्निवेश करें। रोबोट पहले ही 19 मई से 24 मई की अवधि में पुनर्निवेश किए गए धन को काम में ले चुके हैं और निम्न रैंकिंग भागीदारों से PRTN अर्जित किए गए हैं। व्यक्तिगत खातों का अद्यतन जारी है। मुझे कुछ दिनों के विज्ञापन अभियानों के शून्य परिणाम क्यों दिखाई देते हैं? या रोबोट पहले की तुलना में बहुत कम कमाता है? यह सिर्फ डेटा का गलत प्रदर्शन है। रोबोट अभी भी निवेश पर शानदार रिटर्न देता है, 25-35% प्रति माह। यह सिर्फ इतना है कि सभी विज्ञापन कंपनियों के लिए डेटा सही ढंग से प्रदर्शित नहीं होता है, इसलिए कंपनी ने एक अपडेट लॉन्च किया। जैसे ही यह अपडेट सभी व्यक्तिगत खातों से होकर गुजरता है, डेटा अपडेट हो जाएगा और आपको विज्ञापन कंपनियों की वास्तविक लाभप्रदता, रोबोट के काम का वास्तविक परिणाम दिखाई देगा। कई साझेदारों ने अपने व्यक्तिगत खातों में वास्तविक संख्या पहले ही देख ली है, देखते रहें। कंपनी फंड की निकासी पर लगे प्रतिबंध कब हटाएगी? कंपनी के प्रतिनिधि एवगेनी रिक्विन द्वारा घोषित जानकारी के अनुसार जुलाई 2022 में धन की निकासी का उद्घाटन होने की उम्मीद है। कंपनी के प्रतिनिधि के साथ बैठकें पहले ही कई बार पुनर्निर्धारित क्यों की जा चुकी हैं? एआई मार्केटिंग के एक प्रतिनिधि के साथ बैठक पहले स्थगित कर दी गई थी। यदि हम एआई मार्केटिंग के इतिहास की ओर मुड़ें तो हम देखेंगे कि पहले की बैठकें स्थगित कर दी गई थीं जब तकनीकी कार्य का कुछ चरण पूरा नहीं हुआ था। कंपनी के भागीदारों को सूचित करने के लिए बैठकें करती है कि क्या किया गया है और क्या बदलाव किए गए हैं। केवल यह बताने के लिए बैठकें करना कि काम हो रहा है, समय की बर्बादी है। कंपनी के प्रतिनिधि एवगेनी रिक्विन के साथ अगली बैठक 5 जुलाई 2022 को 18:00 GMT पर निर्धारित है। क्या अब नए भागीदारों को आमंत्रित करना संभव है? नए भागीदारों को आमंत्रित करना अब अवांछनीय है, क्योंकि सिस्टम पूरी क्षमता से काम नहीं करता है। उसी समय नए भागीदारों को आमंत्रित करना निषिद्ध नहीं है। यह तब किया जा सकता है जब निमंत्रण के समय आप कंपनी में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में ईमानदारी से और खुले तौर पर बताएं। क्या एआई मार्केटिंग एक घोटाला नहीं है? एआई मार्केटिंग एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न देशों में 5 से अधिक वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रही है। इस दौरान कंपनी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हमेशा उन्हें दूर करने के तरीके ढूंढे। इसके बारे में अधिक जानने के लिए एम रेडियो शो एआई मार्केटिंग का इतिहास सुने। जैसा कि कंपनी के एक प्रतिनिधि एवगेनी रिक्विन ने समझाया, अगर वे बंद करना और गायब होना चाहते थे तो वे इसे बहुत पहले कर सकते थे। इसके बजाय कंपनी के भागीदार हर दिन अपने खातों में बदलाव और सिस्टम में सुधार देख रहे हैं। एआई मार्केटिंग एक विश्वसनीय और आशाजनक व्यवसाय है, और यह एक अभिनव व्यवसाय है जिसे वास्तविक समय में बनाया जा रहा है। इसलिए वह नियमित रूप से तकनीकी और संगठनात्मक बाधाओं का सामना करता है। अगर कुछ लोगों को हमारी दुनिया में इतनी तेज अस्थिरता को स्वीकार करना मुश्किल लगता है, तो शायद उन्हें दूसरे व्यवसाय में जाना चाहिए या काम पर रखना चाहिए। हालांकि इन दिनों हर जगह अस्थिरता ज्यादा है। अब आप क्या कर सकते हैं? अब जब कंपनी तकनीकी काम पूरा कर रही होती है,
तो एआई मार्केटिंग भागीदारों के लिए निम्नलिखित कार्य करना समझ में आता है। सबसे पहले कंपनी में होने वाली व्यावसायिक प्रक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन करने के लिए, इसके लिए अन्य बातों के अलावा आप उन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं जो नियमित रूप से 15 भाषाओं में एम रेडियो पर ध्वनि करते हैं। दूसरी बात, अपने भागीदारों को एआई मार्केटिंग की व्यावसायिक प्रक्रियाओं और नेटवर्क व्यवसाय के सफल निर्माण के सिद्धांतों में प्रशिक्षित करने के लिए। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग, इसके मुख्य लाइफ हैक्स और सबसे सफल तरीकों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। चौथा, एआई मार्केटिंग के साथ अपने व्यवसाय के भविष्य के सफल और तेजी से विकास के लिए आधार तैयार करना। इसके लिए क्या किया जा सकता है? अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया में अपने व्यक्तिगत खातों को बनाएं और सक्रिय रूप से प्रचारित करें, पेशेवर समुदायों, व्यावसायिक क्लबों में प्रवेश करें, घटनाओं का एक कार्यक्रम बनाएं और सिस्टम के पूरी तरह से बहाल होने पर उनके लिए तैयारी करें।